हाय, तो हम लोग फॉरवर्ड में हैं स्टारबोर्ड साइड के, और यहाँ पे एक लाइफ बॉय होता है और यहाँ पे एक लाइफ राफ्ट भी होता है अब। हाँ, तो ऑन बोर्ड वी हैव एट लाइफ राफ्ट्स, फोर लाइफ राफ्ट्स, टू ऑन ईच साइड ऑफ एकोमोडेशन, पोर्ट एंड स्टारबोर्ड साइड, एंड टू लाइफ राफ्ट्स ऑन द फॉरवर्ड बोथ साइड्स, पोर्ट एंड स्टारबोर्ड। ये स्टारबोर्ड साइड में यहाँ एक लाइफ राफ्ट है और एक पोर्ट साइड में भी होगा, और एक आफ्ट में दो होते हैं, पोर्ट एंड स्टारबोर्ड साइड। इसका कैपेसिटी 6 पीपल होता है, 6 पर्सन्स ओनली, और ये मैनुअल लॉन्चिंग लाइफ राफ्ट है। ये पानी में गिरते इसको खींचते हैं और वो लॉन्च होगा, खुल जाएगा, और जो वहाँ होता है आपका एकोमोडेशन के पास वो ऑटोमेटिक है, वो पानी में गिरते ही ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाता है, पानी में जहाज डूबते ही। उसका मैं बताऊँगा लाइफ राफ्ट का क्या यूज़ होता है। और तो यहाँ पे लाइफ राफ्ट इसका लॉन्चिंग टेक्निक सब बताया है, और ये लैडर है इसमें एम्बार्क करने के लिए, चढ़ने के लिए। जब लाइफ राफ्ट पूरा इंफ्लेट हो जाएगा, खुल जाएगा, तो इसको उस गेट की सहायता से नीचे डालते हैं और उसमें उतरते हैं। और यहाँ पे देखो लाइफ जैकेट है 3 और लाइफ सॉरी इमर्शन सूट्स है 3। सेम आफ्ट में भी होता है, सेम पोर्ट साइड भी होगा और स्टारबोर्ड साइड भी होगा। तो देखो जगह जगह पे, जगह जगह पे यहाँ फायर होसेस होते हैं, फायर बॉक्स, उसके होस बॉक्स, और साथ में फायर हाइड्रेंट विथ वाटर होस एंड फ्रेश वाटर होस, सॉरी फ्रेश वाटर कनेक्शन एंड द कंप्रेस्ड एयर कनेक्शन। तो फ्रेश वाटर से हम लोग डेक वॉशिंग का काम करते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ होता है, और एयर से चिपिंग एंड ऑल। वहाँ पे एक कैप स्टैंड भी है, वो मैं स्टारबोर्ड साइड जाके दिखाऊंगा। सो नाउ वी आर हियर, आई एम सॉरी आई एम मेकिंग यू लेट, या आई ऑलरेडी शो टू टाइम्स, आई एम गोइंग टू द फॉरवर्ड मूरिंग स्टेशन। मूरिंग स्टेशन आई थिंक मैंने दो बार शूट किया है ऑलरेडी, बट मैं कुछ अमेजिंग व्यू दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। देयर इज़ अ कैमरा दिस साइड और दैट साइड, ओके। सो यहाँ से देखो पहाड़, और ये है एंकर, और वो है बल्बस बो। सेलिंग होता तो बहुत अच्छे से दिखा पाता। ओके या नेवर माइंड, बट इट्स लाइट, वी हैव गुड विजिबिलिटी। Just one more. I just want to take the bulbous book. Okay, let's go. एंकर स्टारबोर्ड साइड एंड पोर्ट साइड, एंकर विंचेस, एम आई राइट? ओके, दीज आर द मूरिंग ड्रम्स, मूरिंग विंचेस। हॉजर पाइप बोलते हैं जहाँ से एंकर चेंज जाता है। यहाँ पे भी एक लाइफ दो होंगे, हाँ, पोर्ट और स्टारबोर्ड साइड में दो लाइफ बॉयज है। देखो ये है लाइफ बॉय और ये है उसका लाइट। जैसे ये लाइट पानी में जाके ऐसा इन्फ्लेट होता है
तो एक ग्लो हो जाता है। देखो ऐसा रिवर्स करने से एक ग्लो होता है। तो पानी में जाते ही जैसे ही गिरेगा पानी में ऐसा उड़ जाएगा तो लाइट ग्लो हो जाता है। पेंट स्टोर, जब भी पेंट स्टोर में जाते हैं लुक वॉट एवर द इंस्ट्रक्शन आर रिटन हियर, इट्स वेल वेंटिलेटेड, सो इट्स ओपन नाउ सो इट्स ऑलरेडी वेंटिलेटेड नेचुरली, सो व्हेनेवर इट्स क्लोज्ड, जब भी क्लोज रहता है व्हेनेवर यू एंटर इन, बिफोर यू एंटर इन जस्ट यू नीड टू स्विच ऑन दिस फैन, दिस इज द वेंटिलेशन फैन। After some time you have to switch it off. जब थोड़ा सा गैस वैस फ्यूम्स बाहर निकल जाए तभी लाइट्स अंदर थे। और ये है पेंट स्टोर, यहाँ वेरियस पेंट्स होते हैं, डेक इंजन पेंट्स, ऑल आर सेग्रीगेटेड बाई बोसन हार्डनर्स, डेक पेंट्स में हार्डनर मिक्स किया जाता है, इंजन पेंट्स में नो नीड ऑफ हार्डनर, रोलर्स, पेंट ब्रश एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो दिस इज द पेंट स्टोर। नाउ हाँ तो देखो यहाँ पे भी है, दिस इज द पोर्ट साइड ऑफ द शिप, और यहाँ पे भी हाइड्रेंट्स एंड होसेस वगैरह हैं, दीज आर कॉल्ड लैशिंग बार्स, दीज आर शॉर्ट लैशिंग बार्स एंड दे आर लॉन्ग लैशिंग बार्स, इसी से कंटेनर को लैश किया जाता है। और ये है टर्न बकल्स, सी व्हाट्स अप ब्रो, व्हाट्स अप ब्रो, व्हाट्स अप ब्रो, सी ब्रो, उस दिन जो शर्मा रहा था वो सुन जा रहा है, हाउ मच, या या आई विल पे हिम व्हेन आई गो बैक होम, आई विल गेट मनी इन माय अकाउंट, आई पे पे मी यू वाटर वाटर, या यू नीड ओनली वाटर, माय बॉय सेम, यहाँ पे भी वो बॉक्स है, सिक्स पीपल इसका कैपेसिटी है, सिक्स पीपल के हिसाब से थ्री लाइफ जैकेट्स एंड थ्री इमर्शन सूट्स, यू नीड टू स्विच ऑन द लाइट और यू आर जस्ट चेकिंग इट, हाँ हाँ सेम एम्बार्केशन लैडर, ये बॉक्सेस होते हैं, इसमें टर्न ये गियर्स रखे जाते हैं, कोन्स, व्हाट कोन्स आर कॉल्ड, स्टॉकिंग कोन्स राइट, दिस to lash this container. Wrist lock. Wrist lock. The one that supports the foot. Yeah. For cap stand. The cap stand की सहायता से rope को बिठा। Yeah. तो इसे ये cap stand में the connection. ये कैप स्टैंड जो है इसको कैप स्टैंड बोलते हैं, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ विंच, वर्टिकल विंच कह सकते हैं, और ये मोटर की सहायता से नहीं बट बल्कि न्यूमेटिकली चलता है, इसको एयर होल से कनेक्ट किया जाता है, इसमें इट्स ऑलरेडी कनेक्टेड, तो इसको बस एयर ओपन करो तो ये रेडी रहता है टू ऑपरेट, वहाँ पे साइड में लीवर दिया रहता है, यहाँ पे इसकी सहायता से हम लोग रोप्स जो है डेक में पास करते हैं, जैसे नील मुरिंग रोप आते हैं स्टोर में, उसको बोल के वहाँ से यहाँ तक आसान बात नहीं है, सो उसका पूरा लेंथ 200 मीटर का ऑलमोस्ट है, एक टेक्निक होता है उस टेक्निक से हम उसको फॉरवर्ड करना होता है। सिक्योर करने के लिए बनाए गए हैं कुछ एंगल्स,
Africa. Finish? Near 40. Is that?